यार पटियाला, मैं नू सोच रहा हूँ गोवा में एक लंबी चौड़ी जगह ले लूँ और वहाँ अपना बार और कैफे खोल दूँ। पर भाई तू तो रहवे हरियाणा में, गोवा में बार और कैफे खोलन के मतलब बने? अरे भाई पैसा ना चाहिए, चाहे हरियाणा था वैसे गोवा तो है तो पैसा ही। हाँ इसकी बात भी ठीक है, पर वहाँ तेरा भाई डांस करेगा, मेरे अलावा कोई और डांस नहीं करेगा। जतिन भाई पटियाला भाई गति एक नंबर का डांस करा, मेरा डिट्टो आ एक बार करके दिखा। दिखा आएगा मैं। आजा आजा आजा। यो किसका फोन आगा? एक मिनट रुकियो। हेलो, कहाँ पर हो? मैं प्लॉट पे। मुझे यहाँ पार्क में बुला के तुम प्लॉट पे हो? अरे यार क्या होगा? अरे मैंने दिव्या पार्क में बुलाई थी और वो वहाँ बैठी है और मैं यहाँ बैठ कर हुक्का पी रहा हूँ। ओए आलिया, बस एक मिनट में आलिया। ठीक है जल्दी आओ। मुझे पता है जतिन ही तुम ही हो। अरे यार तुझे कैसे पता चल जावे, पीछे दो आंख लगा रखे हैं क्या तूने? चलो फाइनली 3 घंटे लगाने के बाद तुम आ ही गए। यार 3 घंटे का हुए, मैंने 9 बजे बुलाया था तुझे और अभी 12 बज रहे हैं। 12 बजने में 3 मिनट है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, इतना टाइम तुमने लगाया कहाँ? अरे यार वो हरपाल ना है, उसका बवासीर हो रही है तो उसे डॉक्टर का छोड़ कर आया हूँ। छी कैसी बातें करते हो तुम, कुछ भी बोलते रहते हो। एक काम करते, तुमने मेरे को कहीं घुमाना और कुछ अच्छा सा खा के आते हैं। चल ठीक है, मुझे तंबाकू लेकर आना है तो मैं साथ साथ तंबाकू ले आऊंगा, तेरा घूमना हो जाएगा और वहाँ कुछ खा भी लेंगे। चल चल रहे। नहीं नहीं यार, तुम्हें पता है मेरे पापा कितने बड़े होटल के मैनेजर है, उन्होंने कहीं देख लिया तो? अरे तो क्या होगा, जाके पैर छू लूंगा और राम राम कर लूंगा। नहीं। अरे जल्दी आ जा यार, ट्यूशन नहीं चलना क्या? हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ, जल्दी आ। ओके। अभी कहाँ चली, अभी तो मैं आया हूँ। तुम बहुत जल्दी आए हो ना, हमारे ट्यूशन का टाइम हो रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा। अरे यार कुछ खान पीन तो चल दे। फिर कभी? फिर कभी नहीं, तू एक काम कर, शाम को मेरे घर आ जा, मैं तुझे बढ़िया सी डिश बना के खिलाता हूँ। पक्का ना? पक्का। ठीक है, तुम अपनी एक फ्रेंड को भी लेके आऊंगी। एक ना, तू 4 ले आइयो, कोई दिक्कत ना है। चलो ठीक है, फिर मैं शाम को मिलती हूँ, बाय। हाँ पटियाला, ले लिया हुक्के का तंबाकू? अरे यार तंबाकू लेने जा रहा हूँ। भाई तू यहाँ बैठ के फोन में लगा पड़ा है? भाई मैं विंजो पे गेम खेल रहा हूँ। विंजो? ये क्या भाई? भाई विंजो भारत का बिगेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर तू लूडो, क्रिकेट, कॉल ब्रेक जैसे 70+ गेम खेल सकता है और खेलकर जीत सकता है 50 लाख तक का कैश प्राइज। तो भाई गेम खेलने के लिए पैसा भी तो लगाना पड़ेगा। यार यहाँ पे फ्री और पेड दोनों तरीके से गेम खेल सकते हैं और फुटबॉल क्रिकेट देखने वाले अपनी फैंटेसी टीम्स बनाकर जीत सकते हैं। ये सही है यार। और सारे ही गेम्स में रियल प्लेयर्स मिलेंगे तो जीतना भी इजी है एकदम। और भाई जो मैं अपने पैसे जीतूंगा वो मुझे मिलेंगे कैसे? तू जीते हुए पैसे को इजीली विड्रॉ कर सकता है पेटीएम, UPI और बैंक ट्रांसफर के थ्रू। और हाँ इधर विंजो स्टोर भी है, जहाँ पर हमें मिलेंगे फ्री फायर के डायमंड्स इंडिया के चीपेस्ट प्राइस पर, और बिगेस्ट ब्रांड्स लाइक मिंत्रा, हॉटस्टार, डोमिनोज जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन। तो पैसा जीतो भी और बचाओ भी। बढ़िया चीज है यार ये तो। यहाँ 7 दिन रोज स्पिनर घुमाने पर KTM, रॉयल इनफील्ड और iPhone 13 भी जीत सकते हैं, और अभी डाउनलोड करने पर ₹50 का बोनस भी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी डाउनलोड करता हूँ भाई मैं इसे। वैसे भाई तू सोच के रहा है? यही सोच रहा हूँ कि दिव्या आने वाली है, उसकी साथ उसकी फ्रेंड भी आ रही है, उसे भी सेट कर लू क्या? ओ भाई माना मैंने तो दिखने में थोड़ा बहुत सुतरा है, पर इसका मतलब यो ना कि सारी छोरी तू ही सेट करेगा। अरे भाई हमें भी छोरी की जरूरत है, हम भी इतने दिन से सिंगल है। हे भगवान, इसकी सेटिंग ही फ्रेंड मेरे से सेट करवा दे, ₹11 का प्रसाद बांटूंगा। आगे लगे आ तो गई, पर एक बात का ध्यान रखिए, उस पर गंदी निगाह डालने की जरूरत ना है, वो सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मेरी है। हाँ हाँ तेरी है, खोल दूँ अब? ना भाई, अपने प्यार का स्वागत मैं अपने हाथों से करूंगा। मेरी जानेमन कहाँ रह गई? जानेमन वो कौन? अरे मेरा मतलब है कि आपकी फ्रेंड कहाँ रह गई? अच्छा वो बस आती होगी, जतिन का है वो अंदर। ठीक। कहाँ रह गई मेरी जानेमन, अब वेट नहीं हो रहा है। सुबह मैं लेट हो गया था, अब तू लेट हुई है ना? यार मैं लेट हुई, मेरी फ्रेंड रेडी होने में टाइम इतना लगाती, मैं क्या करूं?
कहाँ जाना है भाई साहब आपको? एक तो यही है आपको क्या काम है? वो एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड आई हुई थी दिव्या, तो उसके साथ में आई थी। ये कौन है? हाय, यही तो मेरी फ्रेंड बजवंती। भगवान ने इतनी सुथरी छोरी भेजी है, प्रसाद चढ़ाई हो। करूँ बात? रुक, मैं बात करूँ, रुक। ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, आप ये लीजिए ना, आप भी लीजिए। मैं ये नहीं लेती, मैं कुछ और लेती हूँ। तो और कुछ मंगा देता हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं, बस मुझे तो बस वॉशरूम जाना था। हाँ ये रहा वॉशरूम, पटियाला जा वॉशरूम लेके जा। मैं लेके जा रहा हूँ। अरे जाओ साले, बेइज्जती मत करो, जाओ जाओ, जा रहा है। आज तो लग बड़ी सेक्सी रही है तू। थैंक यू, मैं तो हमेशा ही सेक्सी लगती हूँ। वैसे सुबह तुमने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं घुमा दिया मेरे को, अब कुछ खाने का है या नहीं? हाँ हाँ, तेरे लिए मैंने 50 तरह के पकवान बना रखे हैं, बस एक बार पटियाला आ जावे। अरे हाँ, ये लोग कहाँ रह गए? कुछ ज्यादा देर नहीं लगा दी इन लोगों ने? हाँ यार लगा तो दिया, रुक मैं देख के आता हूँ। ओ भाई बचा ले यार, बचा ले प्लीज, बचा ले भाई मुझे यार। कैसे कैसे भाई, क्या बात होगी? मेरी गैल जो हुआ हुआ, अगला नंबर तेरा है, बस इसे जितनी जल्दी हो सके ना घर से काट जल्दी। ओए यार, तू ना अपनी फ्रेंड को लेके जा यहाँ से। लेकिन हुआ क्या? वो हमें ना कुछ अर्जेंट काम आ गया, तू जा, हम जा रहे हैं कहीं। अच्छा ठीक है, चल बजवंती। ओ मैडम जी, कहाँ चले अकेले अकेले? मैं भी अकेले, आप भी अकेले, क्यों ना हम इस मैक को हम में बदल दे। हेलो, हाँ जतिन, कहाँ पे हो तुम? जल्दी से ट्यूशन वाले रोड पे आ जाओ, एक लड़का मेरे को कब से छेड़े जा रहा है। कैसे है, किसने छेड़ दिया तुझे? ये हरामी, ये छेड़ा था मेरे को। दे तीस साले के मुंह पे, चल मैं छोड़ दूंगा तुझे, ट्यूशन आ जा। शाबाश बेटे शाबाश, घर से बहाना बना के तू यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रही है, वो भी कुर्ते पजामे वाले लड़के के साथ जिसका खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। पर अंकल सुनो तो। परवर कुछ नहीं, तुम जैसे लोगों का खुद का कोई स्टैंडर्ड होता नहीं है, कभी खुद को देखा भी है? चाहिए कुर्ता पजामा। लेकिन पापा। तू चुप कर, तू जानता है मुझे मैं कौन हूँ? मैं बहुत बड़े होटल का मैनेजर हूँ, जहाँ पे वर्कर्स बिना पैंट शर्ट पहनते हैं, और आज के बाद मेरी बेटी से मिलना तो दूर, उसके बारे में सोचो भी मत। अंकल आप गलत समझ रहे हो। मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे देसी 10% होंगे हरियाणा में, पता नहीं कब खत्म होंगे। चल बेटी। मैं 2 दिन होटल नहीं आया तो तुम लोगों ने सारा का सारा मैनेजमेंट बिगाड़ के रख दिया है, और ये गेट पे गाड़ी किसकी खड़ी है? सर उन सर की। कहीं भी गाड़ी खड़ी करवा देते हो। एक्सक्यूज मी सर, सर एक तो आपने गाड़ी हमारे गेट के सामने खड़ी की हुई है, और दूसरा आप लोग यहाँ पे हुक्का भी पी रहे हैं। ओए, पहली बात तो यो गाड़ी ना है, इसका नाम है हबीबी, और इसका जहाँ मन करेगा वहाँ खड़ी होएगी। और हुक्का हमारा जहाँ मन करेगा ना हम वहीं पिएंगे, तेरे से जो होता हो ना वो कर ले जा। सर ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। तो रूल्स चेंज कर दो। तू, तेरे कहने से रूल चेंज होंगे क्या? रूल केवल हमारे बॉस डिसाइड करते हैं। लगे तुझे पता ना है कि मैं हूं कौन, वरना इस आवाज में बात ना करता। आइयो, इसे नू बता कि मैं हूं कौन,
सर आप इस होटल के मालिक हो। होटल का मालिक? सर जब आप 2 दिन की छुट्टी पे थे तब ये होटल इन्होंने खरीद लिया। सॉरी सर। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेज ही छोड़ गए। उस दिन क्या कह रहा था तू कि हरियाणा में बस 10% देसी लोग रह रहे हैं, हरियाणा में 100% देसी रह रहे हैं। तुम जैसे लोग बाहर तक खान कमान के आ जाओ, हरियाणा नहीं अपना बताने लगो। अगर मैं उस दिन तेरी उम्र का लिहाज ना करता तो ऐसा रेपटा मार दे तू अपने शहर जाके गिरता। और हाँ, उस दिन क्या कह रहा था कि तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है, कुर्ता पजामे पहनते हो। मैंने इस होटल का एक रूल और चेंज करा है, अगर कल तक नौकरी पर आना है तो कुर्ते पजामे पहन करियो।